बेलघाट कस्बे के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के पास स्थित एक बागीचे में चमगादड़ों की अचानक हुई मौत क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। चमगादड़ अपने आप ही पेड़ों पर से मरकर गिर रहे थे, जिसके संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 26 मई को यह सूचना प्राप्त हुई कि बेलघाट कस्बे के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के पास स्थित वृक्ष से चमगादड़ अपने आप मरकर गिर रहे हैं। तत्काल मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी खजनी को भेजकर निरीक्षण कराया गया। उसी समय वहां पर पशु चिकित्सक भी उपस्थित थे। मौके पर कुल 52 चमगादड़ मृत पाए गए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चमगादड़ों की मौत भीषण गर्मी अथवा कीटनाशक जहर से हुई, परंतु जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। DFO अविनाश कुमार ने बताया कि मृत 52 चमगादड़ों का सैंपल पोस्टमार्टम हेतु IBRI बरेली को भेजा जा रहा है। बुधवार की शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभाग के वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया। देखिए, सुबह 9 बजे के अराउंड ये सूचना मिली कि बेलघाट में कुछ चमगादड़ मरे हुए मिले हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर देवेंद्र कुमार मौके पर गए और वहां से चमगादड़ों की बॉडी डेड बॉडीज कलेक्ट की गई। टोटल 52 बॉडीज कलेक्ट की गई हैं, जिसमें से 3 बॉडीज को हम लोग IVRI बरेली भेज रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो हीट स्ट्रोक, तेज़ गर्मी, मतलब काफ़ी तेज़ गर्मी और लू के कारण, नहीं तो कीटनाशक इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग के कारण डेथ हुई है। बट कुछ भी अभी कमेंट करना कंक्लूसिवली सही नहीं होगा। एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाती है तो अभी इसमें कुछ कंक्लूसिवली कह सकते हैं। हमारे स्टाफ सैंपल लेकर के बरेली निकल चुके हैं और होपफुली कल शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी चाहिए।